आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी बूंदी। ये मीठी बूंदी बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम यहाँ पे सोडा या फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीठी बूंदी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन 1 कप, ये चाय पीने वाला कप है, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि बेसन का बैटर हमें ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा पानी डाल रही हूँ। बैटर को हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रह जाए। आप यहाँ पे विस्कर की मदद से या अपने हाथों की मदद से भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है और थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पानी हमें बहुत ही हिसाब से डालना है। अच्छे से फेंट ले इसे। देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद हम बैटर को और एक बार मिला देंगे। तो चलिए बूंदी को तलने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुए कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। बूंदी बनाने के लिए नॉर्मली एक जारा आता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो घर पे जो हम पूड़ी या तलने वाली करछी यूज करते हैं उसी से हम बनाएंगे। इससे भी बूंदी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ही बूंदी तल लेंगे। बूंदी को हम 1 मिनट तलेंगे, उसके बाद निकाल लें इसे एक प्लेट में। ध्यान रहे कि गैस को हमें मीडियम हीट पे रख देना है। बूंदी को हम एक साथ ज़्यादा नहीं तलना है वरना वो आपस में चिपक जाएंगे। देखिए यहाँ पे बूंदी तल के तैयार है। यहाँ पे हम करछी को साफ करके दोबारा यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा बैटर डाल दे और करछी को इस तरीके से घुमा ले वरना सारा बूंदी एक साथ चिपकने का चांस रहता है। तो यहाँ पे मिला दे इसे एक बार। बूंदी को हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं तलना है। यहाँ पे बूंदी तैयार है, निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। देखिए बूंदियों को निकाल लिया है मैंने। सेम तरीके से हम सारे बूंदी को तल लेंगे। देखिए यहाँ पे बूंदी सारे तल के तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी शुगर सिरप बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैं चाय पीने वाले कप से आधा कप चीनी ले रही हूँ और आधा कप पानी। दोनों को हमें 5 मिनट के लिए पका लेना है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। आप चाहे तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और डाल रही हूँ 1 चम्मच लेमन जूस। शुगर सिरप को हमें पतला रखना है। गरम शुगर सिरप में ही हम बूंदियाँ डाल देंगे और मिला देंगे इसे शुगर सिरप के साथ। बूंदी को हम आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखिए यहाँ पे बूंदी थोड़ा सा फूल चुका है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये बूंदी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।